अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों को HP 79 है जो लेटेस्ट मॉडल का प्रिंटर है इसकी रिफिलिंग करना बताऊंगा। बहुत इजी है, जस्ट लाइक ये वन एक स्क्रू है, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि आपने इसको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये निकल जाएगा, तो इसको आपने यहाँ पे लाके इस तरह कर देना है। समझ तो गए हम। अच्छा, सेकंड ये पोर्शन है, ठीक है, इसमें से लेफ्ट हैंड पे आपने ये 79 जो लिखा ये पकड़ना है और राइट हैंड पे ये अलग हो जाए और इसको zigzag करना है। ये देखिए, ये इसको यूँ करेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वो क्या हमारा हो गया आपका ड्रम यूनिट, ठीक है। ये ड्रम यूनिट में से ड्रम इजीली वैसे बाहर आ जाएगा, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको बस जस्ट लाइक क्लीन कर दें। अगर प्रिंट आपका लाइट आ रहा है तो आप इसको चेंज कर देंगे, नहीं आ रहा है तो आप इसको जस्ट क्लीन करके सेफ जगह पर रख देंगे। अच्छा, सेकंड ये वेस्टिज है जो टोनर में आपके साइडों में जो पट्टी बनाता है, तो इसको खाली कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसको देख लें आप किस तरह खाली करना है, ये पूरा क्लीन, ठीक है। क्लीन जब हो जाए तो इसको थोड़ा सा आपने ग्लोव्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये पट्टी को साफ कर लें। इसके बाद इजी इंस्टॉलेशन है, ये PCR और ये ड्रम। ठीक है, बैठ गए, ये इसका टोनर यूनिट, ये यहाँ से ओपन होगा। अच्छा, इसके बाद ये इसका एक गैजेट है और मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूँगा, ठीक है। सेकंड, ये इसके अंदर से एक रॉड निकल रही है, थोड़ा सा मैं आपको व्यू और करा दूँ ताकि आपको नज़र साफ आ जाए, ठीक है। ये आपने इसको एक दोनों तरफ से इसके वो निकलेंगे, ठीक है। आप इसको ये रिंग होते हैं इसको साइड में रखें, वॉश करें इसको अब तरीके से। वॉश करने के बाद ये कवरिंग एरिया है, इसमें आप जो भी आपके पास इंक अवेलेबल है बैग की सूरत में हो या वैसे हो ये आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कोरियन जो इंक है वो ज़्यादा अच्छी होती है और जो है वो देखिए इसमें इंक ज़्यादा बेटर वो होती है जो वेस्टिज कम निकाले, मतलब आपके प्रिंट पे ज़्यादा आए और वेस्टिज कम निकाले, ठीक है। ये आप देख लें ऑर्डर, आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपने इसको तरीके से शेक करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये गियर से ताकि शेक हो जाए, जितना ज़्यादा अच्छा शेक करेंगे रिफिल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इतना तो आप भी समझ जाएंगे जब रिफिल करते रहेंगे। सेकंड ऑप्शन जल्दी ही बताऊंगा कि वो ये है कि आपने इसको वाइट वाले को इधर रखना है, रखने के बाद इसको यहाँ बिठाना है इस केयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने इसको लेके यहाँ लगाना है, ये एक कवर इस तरफ का है इसका कैप। अच्छा, इस के अंदर एक और है, ये देख रहे हैं, ये इसमें आपने इसकी गरारी को बिठा देना है और इसको यहाँ बिठा देना है। सेकंड, इसके बाद आपने इसको फिक्स करने के लिए अपर वाला इसका बिठा देना है और यहाँ पे जस्ट वही स्क्रू जो आपने खोला था उस स्क्रू को आपने तरीके से बंद कर देना है।
उसके बाद इसको यूं करके चलाएंगे आप, ये देखिए ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। फिर वही चीज़ जिस तरह खोला था कि इसको अंदर इस तरह दबाना है आपने, दबाने के बाद इसको ये लीवर आपने यहाँ बिठाना है और ये स्प्रिंग को ये छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आपका 85A का 79A का टोनर रिफिल। रिसाइकिल करना होगा तो इसी में जो ड्रम हमने निकाला था वो आप नया लगा दीजिए, ठीक है। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मोहम्मद कमर खान कराची से, अस्सलाम वालेकुम।